हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। स्वागत है आपका ज़िंदगी के पिटारा के एक और नए व्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो अंडर वाटर टनल व्लॉग का सेकंड पार्ट है। वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है। अब हम टनल देखने के बाद इधर मेले में आ गए हैं। ये मेले का व्लॉग है एक, और मैं अभी आज आपको यहाँ का जो मेला लगा है वो दिखाती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ख़रीदारी के लिए और काफ़ी सस्ता भी मिल रहा है सामान। ये देखिए, चूड़ियाँ अंगूड़ियाँ लेडीज़ वगैरह का सामान ज़्यादा है इस शॉप पे। और देखिए कितनी बड़ी शॉप, एकदम चमक रही है ये देखिए। और भाई 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये माल भी है यहाँ पर। सब कुछ है ये देखिए, लेडीज़ का जो सामान होता है मतलब मेकअप वगैरह से रिलेटेड या मतलब कुछ भी कह लें, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। और आप इधर और आगे आएंगे तो ये देखिए कपड़ों की शॉप है, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। और इधर बच्चों के खिलौनों की शॉप भी है, चप्पल जूते सब कुछ ही मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए आप मेला देखिए थोड़ा। और यहाँ पर आ गए हैं अभी, तो ये एक क्या है ये, मतलब प्राइस मिल रहा है यहाँ पर, और कुछ नंबर्स लाने पड़ेंगे और प्राइस मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये इधर इस तरीके से ये बॉल डालनी है, कुछ बॉल्स हैं 6-7 कुछ, और ये नंबर्स हैं। तो जितने नंबर आएगा फिर जितनी जिस नंबर में बॉल गई होगी तो उस हिसाब से ये फिर गिफ्ट मिलेगा। तो भाई बढ़िया गिफ्ट तो कभी मिलता ही है। मैंने भी पहले खेला है तो मुझे पता है क्या मिली थी, चाय छानने की छलनी बस वो मिली थी। तो चलिए ये यहाँ पर चल रहा है, ये देखिए इस तरीके से नंबर है, देखिए और ये बॉल्स हैं। तो मतलब वो आ ही नहीं पाता जो जिस पे अच्छा प्राइस हो। और ये देखिए, ये वो जो फेंकते हैं ना, मतलब कुछ कोई चक्कर होता है वो इन नंबर्स में, जिस नंबर में वो चक्कर जाएगा तो प्राइस मिल जाएगा। तो ऐसे तो कुछ खास प्राइस भी नहीं है, पर ये भी बड़ी मुश्किल से ही डलते हैं। और चलिए अभी आगे थोड़ा चलते हैं। तो ये आ गया टारगेट गेम आर्चरी आ गई है, यहाँ से ये निशाना लगाते हैं भाई तो गिफ्ट मिलेगा। पता नहीं ये कुछ ऐसे नंबरिंग है निशाना लगाने, यहाँ लगेगा तो ये, यहाँ लगेगा तो इतना नंबर। और फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम स्मोक बिस्किट के स्टॉल पे। ये कैसे बिस्किट हैं भाई, धुएं वाले, ये देखिए ऐसे धुआं निकलेगा, दिखा रहे हैं ऐसे कैसे निकलेगा। तो चलिए करते हैं आज ये स्मोक बिस्किट ट्राई। एक मन्ने भी दे दे भाई, भैया एक मन्ने क्यों ना देता, तो ले लो पीने वाले ये मुझे भी खत्म हो गया एक बार दिमाग थोड़ी तक ले इसको जल्दी कर जल्दी कर तू करो अरे छोड़ो संदीप तुम खाओ और फ्रेंड्स, यहाँ पर झूला झूलने की जद्दोजहद चालू है, झूला नहीं रहे झूले, सरीत को झूला झूलना है भाई, मैं तो नहीं झूलूंगी मुझे तो डर लगता है अभी डर रहे हैं सब कि झूला टूट गया तो ये झूला झूलना चाहती है। ये देखिए कितना भयानक वाला झूला है, इसको देख के ही डर लग रहा है। जब ये तेज तेज चलेगा ना तो बस जान ही निकल जाएगी, मैं तो जाने वाली नहीं किसी भी झूले पर, मुझे बहुत डर लगता है। अभी ये लोग सोच रहे हैं जाए ना जाए। और फाइनली सरीत इस झूले में बैठ गई, देखिए वो सबसे पीछे बैठी है, मैं तो बैठी नहीं, जिद कर रही थी चलो चलो, मैंने कहा भाई मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और अब ये तेज तेज चलने लगेगा।
अभी तो धीरे धीरे ही चल रहा है, तो तेज तेज चलेगा ना तो बिल्कुल आसमान छू जाएगा जैसे। तो फ्रेंड्स, आप सब में से किस किस को झूला झूलना पसंद है और किसको मेरी तरह डर लगता है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शरीफ तो यहाँ पर झूले झूल रही है, तब तक मैं आपको और झूले दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये भी झूला है, काफ़ी बड़ा है, ऊपर तक जाते हैं। फ्रेंड्स, इस झूले में मैं झूली हुई हूँ और इसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तब से मैं बिल्कुल झूला नहीं झूलती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक और झूला दिखाती हूँ, ये तो मैंने पहली बार देखा है। इसमें काफ़ी लाइटिंग है, बहुत सारी लाइटें जल रही हैं। और ये देखिए कितना तेज़ चल रहा है, ये तो देख के ही डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं देखने में। कैसे लोग बैठे हैं इसके अंदर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला सर तो इसमें झूल ले। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेले का व्यू मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखिए वही भयानक वाला झूला, और ये इधर सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के। यहाँ पर तो ये सब खाने पीने का ही है, झूले वगैरह हैं। ख़रीदारी वगैरह अगर कुछ करनी है तो वो मैंने पीछे आपको दिखाया ही था, और यहीं से फिर एग्ज़िट हो जाएंगे हम। और हम निकल गए हैं मेले से और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। तो हमने डिसाइड किया है कि हम पिज़्ज़ा खाएँगे, और यहाँ पर पास में पिज़्ज़ा हट CMR सेंट्रल मॉल में ही है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं CMR सेंट्रल मॉल। तो अभी फ्रेंड्स, हम आ गए हैं CMR सेंट्रल मॉल, और ये विशाखापट्टनम का सबसे बड़ा CMR सेंट्रल मॉल है। और इसका व्लॉग मैंने पहले बनाया था फ्रेंड्स, एक पोंगल फेस्टिवल का जो व्लॉग था ना, तब मैंने इसका व्लॉग बनाया था। यहाँ आए थे वो दिन में था, और देखिए शाम को कैसे चमक रहा है। ये शाम का व्यू है इसका। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, इधर फूड कोर्ट वगैरह है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है खाने के लिए। तो हम यहीं पर आ गए हैं और ये एंट्री कर लिया है हमने मॉल में। और ये देखिए रात को कैसे चमक रहा है, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग हो रखी है। और अभी हम ऊपर जाएंगे जहाँ ऊपर फूड कोर्ट है, ये इस तरफ हम चल दिए हैं सीधा सीधा। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार, ऐसे चमक रहा है। और ये देखिए ऊपर आ गए हैं फूड कोर्ट में, ये थर्ड फ्लोर पे है ये फूड कोर्ट। और बस यहाँ पर भी सब कुछ मिलता है खाने के लिए भाई, अलग अलग है जगह, जैसे मैकडोनल्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें, डोमिनोज वगैरह और भी अलग अलग चीज़ें हैं। और अभी सरित बैठ गई है ये मैकडोनल्ड वाले स्टैचू के पास के मेरी फ़ोटो की तो। और बर्गर किंग वगैरह भी है, पिज़्ज़ा हट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहीं पर ही। और ये लीजिए हमारा पिज़्ज़ा हट आ गया, हम तो पिज़्ज़ा हट में ही पिज़्ज़ा खाने वाले हैं। डोमिनोज़ का इतना अच्छा नहीं लगता जितना पिज़्ज़ा हट का हमें पसंद है। तो चलिए पिज़्ज़ा हट में अंदर घुस गए हैं। आप बताना आपको पिज़्ज़ा हट का ज़्यादा पसंद है या डोमिनोज़ का ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और चलिए अभी अंदर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम पिज़्ज़ा के वेट में बैठे हैं कब आएगा हमारा पिज़्ज़ा पता नहीं। हम दोनों इंतजार कर रहे हैं और इन दोनों का होने वाला नहीं है, स्मॉल पिज़्ज़ा में नहीं होने वाला हमारा, तो हो जाएगा। अब इनको चिंता सता रही है कि हम फिर से ऑर्डर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, भूखे रह जाएंगे। तो उल्टा बोल रहे हैं रोटियां बना देना घर जाके, हम रोटियां नहीं बनाएंगे, दोबारा ऑर्डर कर देना। क्या हुआ? और अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम, ये देखो अमेरिकन नट्स, और हम काजू पिस्ता खा रहे हैं, और ये सिर्फ चम्मच ही खा रहे हैं, इनको नहीं दिलाई। फ्रेंड्स, अभी हम घूमते घूमते बस आइसक्रीम खा रहे हैं और फिर घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक, बताना आपको कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।